तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम रजिस्ट्रेशन एक्ट का नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, जो हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हमने अभी तक हमारा जो बैकग्राउंड है वो देखा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या बैकग्राउंड था। देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट किया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद हमने सेक्शन फर्स्ट किया, और उसके बाद जो सेकंड सेक्शन था, सेक्शन नंबर 2, जिसमें हमने डेफिनेशन क्लॉज देखा, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कौन से इम्पोर्टेंट्स डेफिनेशंस है जो हमारे पेपर परस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसमें जो हमारा पार्ट 2 रहेगा, दैट इज़ सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 16 तक चलेगा, और हम ट्राई करेंगे कि पार्ट 2 को हम इस लेक्चर में ही कवर कर लें। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और इसके साथ साथ हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो रहते हैं एंड उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स रहती हैं हमारे पेपर परस्पेक्टिव या कोई लॉ परस्पेक्टिव जो भी अपडेट्स रहती है वो हम उस ग्रुप में डाल देते हैं, तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड इसके साथ साथ हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, अगर आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें मैसेज और कॉल कर पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सेक्शन 3 है। इस पार्ट का क्या नाम है, ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट। अब जहाँ पर बात की गई है एस्टेब्लिशमेंट की, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर ज़रूर देख लाना, क्योंकि उसमें हमने ब्रेक डाउन किया है। अगर आपको वो लेक्चर की समझ आ गई, देन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें ऐसा आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। पहले आप वो लेक्चर ज़रूर देख लेना। इसमें क्या है एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट जैसे हमने क्या इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, तो इसमें हमने पहले ऑफिसर्स है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा। देन अब एक ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट को तो हैंडल नहीं कर सकता, जैसे तहसील भी होती है, जैसे हम तालुका भी बोल देते हैं, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की हेल्प के लिए, असिस्ट के लिए सब रजिस्ट्रार भी हो गए, तो इसमें क्या रहेगा, वो ऑफिसर्स आएंगे। अगर ऑफिसर्स हैं तो उनके ऑफिस भी होंगे, ठीक है ही, अगर ऑफिसर है तो उनके ऑफिस भी होंगे। देन इस पार्ट में ये भी बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एब्सेंट है, देन उनकी जगह पर कौन सा ऑफिसर है जो ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या करना है उसके बारे में बताया है। एंड उसके साथ साथ जो हमने एक डेफिनेशन क्लॉज भी किया था बुक्स, उसके रिलेटिंग भी इसमें एक सेक्शन 16 और 16A रहता है। तो सबसे पहले है सेक्शन 3, जिसे हम IGR भी बोलते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सबसे हायर अथॉरिटी रहती है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, ठीक है जी। और कौन अपॉइंट करता है, द स्टेट गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ऑफिसर टू बी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर टेरिटरी सब्जेक्ट टू द सच गवर्नमेंट। मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, जितना उसका एरिया है, मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब जो गवर्नमेंट है वो क्या है, IGR को जो है अपॉइंट करेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। समटाइम पूछ लेते हैं कि जो IGR है उसे कौन अपॉइंट करता है, दो तीन आपको ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट एंड हाई कोर्ट है, और ऑल अबव। तो ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखना कि कौन करता है, जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसके बाद अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जो न्यू पर्सन है उसे ही हमने, कोई न्यू ऑफिसर है उसे ही अपॉइंट करना है। मान लीजिए कोई ऑफिसर है, किसी के पास कोई एक चार्ज है ऑफिस का, उसके साथ साथ उसे और चार्ज भी जो है IGR ऑफिसर का दिया जा सकता है। उसके लिए हमें जहाँ पर बताया है, एनी इंस्पेक्टर जनरल मे होल्ड साइमल्टेनियसली एनी अदर ऑफिसर अंडर द गवर्नमेंट, कि मीन्स कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो IGR के साथ साथ उसे और ऑफिस का जो चार्ज है वो भी दिया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स के पास एडिशनल चार्ज होता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। सब सेक्शन 1 की प्रोविजो है, प्रोविजो डेट
स्टेट गवर्नमेंट मीन स्टेट ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट डायरेक्टली डेट ऑल और एनी ऑफ द पार ड्यूटीज हेयर इन आफ्टर कंफर्ड एंड इम्पोज अपॉन द इंस्पेक्टर जनरल शैल बी एक्सरसाइज एंड परफॉर्म बाय सच ऑफिसर एंड ऑफिसर विद इन सच लोकल लिमिट्स एज द स्टेट गवर्नमेंट की. मीन्स कि जो भी उस ऑफिसर्स की पार्स रहेगी, कौन सी पार्स को एक्सरसाइज करना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. तो अगर मैं क्रक्स बताऊँ तो क्रक्स यही है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ड्यूटीज़ एंड पार्स को एक्सरसाइज करना, मीन्स कि कन्फाइन करना है क्या ड्यूटीज़ होगी, और उसके बाद अपॉइंट भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, दैट्स इट. उसके बाद सेक्शन 4 है जो वो रिपील कर दिया गया है, ठीक है जी, इसे आप क्रॉस लगा सकते हो. देन उसके बाद सेक्शन 5 में आएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी. उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट. सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, अगेन स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट एंड शैल प्रस्क्राइब मे ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट. मीन्स कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का एरिए को कम करना है या उसे ज़्यादा करना है, ऑल्टर करना है, तो वो किसके पास पा रहेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी. अगर जैसे हम पंजाब की बात करें तो हमारा एक लेटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है मलेरकोटला, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब सीएम साहब थे तब उन्होंने जो है 23rd जो डिस्ट्रिक्ट बनाया था दैट इज़ मलेरकोटला. तो किसके पास पा रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन जहाँ पर क्या है, इस एक्ट के पर्पज़ के लिए, मीन्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है. देन उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन टुगेदर विद द लिमिट्स देयर ऑफ एंड एवरी ऑल्टरेशन, जो ऑल्टरेशन करनी है वो कैसे होगी, शैल बी नोटिफाइड, मीन्स कि उसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि प्रेस रिपोर्ट्स में आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपने बोल दिया कि हमने इस एरिया को ऑल्टर कर दिया, तो ऐसा नहीं है, ऑफिशियल गैजेट में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा. देन उसके बाद एवरी सच ऑल्टरेशन शैल टेक, उसका इफेक्ट कब से आएगा, ऑन सच डेट आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन. मीन्स कि मान लीजिए ऑफिस सीएम साहब हैं, उन्होंने क्या किया, 10 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया कि कोई ये है जिस डिस्ट्रिक्ट बन गया और जहाँ इसकी जो है इसी ऑल्टरेशन की है. अब जब से इंटरव्यू की मीन्स की कॉन्फ्रेंस की है तब से नहीं माना जाएगा, जब से मान लीजिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वो 11 अक्टूबर को आया, तो वो कब से माना जाएगा, 11 अक्टूबर से माना जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो ऑफिशियल गैजेट में बाय नोटिफिकेशन के थ्रू होगा. तो इस बात का अभी अपने ध्यान रखना है. अब आगे आएंगे हमारे रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार. अब अगर हमने रजिस्ट्रेशन करनी है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई तो ऑफिसर होगा, अब कोई तो ऑफिसर होगा, वो कौन से हो गए, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार. जैसे आईजीआर क्या है, वो सुपीरियर अथॉरिटी रहेगा, जो आईजीआर है वो सुपीरियर अथॉरिटी रहेगा. देन उसके नीचे कौन आएगा, रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार. अब हमने आईजीआर भी बना दिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट भी कर लिया, अब आएगा रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, जहाँ पर भी अगेन क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट सच पर्सन वेदर पब्लिक ऑफिसर और नॉट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिसर होंगे वो जरूरी नहीं है कि पब्लिक ही ऑफिसर हो. जहाँ पर क्लियर कर दिया, हो सकता है वो पब्लिक ऑफिसर हो सकता है वो नहीं हो, एज इट थिंक्स प्रॉपर टू बी रजिस्ट्रार ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट. मीन्स कि एक रजिस्ट्रार है वो एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा भी हो सकता है. मान लीजिए कोई जलंधर का रजिस्ट्रार है, हो सकता है वो उसे चार्ज कपूरथले का भी साथ में दिया गया हो. तो ऐसा नहीं है कि एक रजिस्ट्रार ने एक डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करना है, हो सकता है उन्हें एक से ज़्यादा भी चार्ज दिया जाए, और उसके साथ साथ सब रजिस्ट्रार ऑफ सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट होती हैं आगे उसके लिए, जैसे जलंधर में फ्लोर आ जाता है, उसके बाद जलंधर में जो है आदमपुर आ जाता है, इस तरह से सब डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है. जैसे लुधियाना है, लुधियाना में दुराहा आ जाता है, पायल आ जाता है, तो इस तरह से सब डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर क्या होगा, सब रजिस्ट्रार होंगे, ठीक है. ये तो किसने अपॉइंट करना है, स्टेट गवर्नमेंट ने. और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जे वोट्स, पब्लिक ऑफिसर और नॉट. क्योंकि हमारे माइंड में यही कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर मान लीजिए कोई रजिस्ट्रार है, वो सब रजिस्ट्रार है, तो वो क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, पब्लिक ऑफिसर होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि वेदर पब्लिक ऑफिसर और नॉट, ये ज़रूरी नहीं है, वो पब्लिक ऑफिसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है जी. तो इस बात का आपने ध्यान रखना. आगे अब हमने रजिस्ट्रार बना दिया, सब रजिस्ट्रार बना दिया. अगर हमने रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार बनाया है तो उनके ऑफिसेस भी होंगे,
कहीं पर तो वो बैठेंगे, वो ऑफिस सेक्शन 7 में रहेंगे, ठीक है। वो भी अगेन द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एन ऑफिस स्टाइल द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या रहेगा, रजिस्ट्रार रहेगा, और एवरी सब डिस्ट्रिक्ट में क्या रहेगा, ऑफिस का बनेगा सब रजिस्ट्रार का, और वो क्या है ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार भी हो सकता है। तो नॉर्मल वही बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रजिस्ट्रार रहेगा, तो जो है अपनी सब डिस्ट्रिक्ट रहेगी उसमें सब रजिस्ट्रार रहेगा। देन उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट मे अमेलगामेट विद एनी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, एनी ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार सबॉर्डिनेट टू सच रजिस्ट्रार। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार है, मान लीजिए जलंधर है, जलंधर में क्या है रजिस्ट्रार है, उसकी सब डिस्ट्रिक्ट फ्लोर है उसमें क्या है सब रजिस्ट्रार है। एंड मे ऑथराइज एनी सब रजिस्ट्रार हुज ऑफिस हैज़ बीन अमेलगामेटेड टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म इन एडिशन टू हिज पावर एंड ड्यूटीज, ठीक है। तो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के पास है क्या है, वो अमेलगामेट भी कर सकती है ऑफिस को, जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो सब रजिस्ट्रार के जिसके वो सबॉर्डिनेट है उसके साथ क्या है अमेलगामेट भी कर सकती है, मीन्स मर्ज भी कर सकती है। फिर देख लेते हैं द स्टेट गवर्नमेंट मे अमेलगामेट एनी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, कि जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है एनी ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार सबॉर्डिनेट टू जिसके वो सबॉर्डिनेट है, मे ऑथराइज एनी सब रजिस्ट्रार हुज ऑफिस हैज़ बीन अमेलगामेट टू एक्सरसाइज। मान लीजिए जलंधर में जो है डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार है, लेकिन उस रजिस्ट्रार की क्या होगी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, उस रजिस्ट्रार की क्या होगी ट्रांसफ़र होगी, तो अब वहाँ पर पोस्ट क्या है वैकेंट है, तो उसकी पोस्ट जो पार्स है वो सब रजिस्ट्रार को दी जा सकती है जिसके वो सबॉर्डिनेट है, मीन्स कि किसी फ्लोर वाले या आदमपुर वाले जो सब रजिस्ट्रार है उनको दी जा सकती है पार्स एक्सरसाइज के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ऑल और एनी पार्स ड्यूटीज रजिस्ट्रार टू होम ही इज सबॉर्डिनेट, मीन्स कि वो ऑल पार्स जो रजिस्ट्रार के पास होंगी वो एक्सरसाइज करेगा, लेकिन एक पार है जो सब रजिस्ट्रार नहीं कर सकता, वो कौन सी है, सब रजिस्ट्रार टू हियर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ। जैसे मान लीजिए सब रजिस्ट्रार के पास, अगर सब रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील किसके पास जाएगी, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। अब मान लीजिए सब रजिस्ट्रार है, इसने अपील पास की तो किसके पास जाएगी, रजिस्ट्रार के पास, लेकिन रजिस्ट्रार की पोस्ट की जितनी भी पार्स है वो तो एज पर सेक्शन जो हमारा 7(2) है सब रजिस्ट्रार के पास है, तो वही यहीं पर बताया गया है कि अगर रजिस्ट्रार की जितनी भी पार्स सब रजिस्ट्रार निभा रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पहले उसने सब रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में ऑर्डर पास कर दिया देन रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में अपील को भी हियर करेगा, वो फिर अपील को नहीं सुन सकता क्योंकि सेम पर्सन ही अपने ऑर्डर को अपील में नहीं सुन सकता, ये बताया गया है जहाँ पर। देन उसके बाद सेक्शन 8 में रहेगा इंस्पेक्टर, द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट ऑफिसर टू बी कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड मे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंस्पेक्टर किसके सबॉर्डिनेट रहेगा, IGR के, इंस्पेक्टर जनरल के, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना, जो इंस्पेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, जो इंस्पेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो सबॉर्डिनेट किसके रहेगा, IGR के रहेगा, वो सबॉर्डिनेट किसके रहेगा, IGR के रहेगा। देन उसके बाद जो 9 है जो फिर ओमिट है, रिपील कर दिया गया है, आगे है सेक्शन 10, एबसेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस, कि मीन्स कि जो रजिस्ट्रार है उनके ऑफिस की जो पोस्ट है वो क्या है वैकेंट है। अब उसके बारे में बताया है जैसे हमने पहले भी किया कि मान लीजिए अगर रजिस्ट्रार का ऑफिस की जो पोस्ट है वो वैकेंट है तो कौन ड्यूटी परफॉर्म करेगा। सो व्हेन एनी रजिस्ट्रार जहाँ से लेकर जहाँ तक छोड़ते हैं, व्हेन एनी रजिस्ट्रार इज एबसेंट कैसे अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट और व्हेन हिज ऑफिस टेम्परेरी वैकेंट, उसका ऑफिस जहाँ तो टेम्परेरी वैकेंट है जहाँ क्या है वो ऑन ड्यूटी है, ठीक है। और एनी पर्सन हुम द इंस्पेक्टर जनरल मीन्स के IGR अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ और इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस सिचुएटेड शैल बी रजिस्टर्ड
ड्यूरिंग सच एबसेंस और अंटिल गवर्नमेंट फिलअप्स द वैकेंसी। तो मीन्स टू से कि अगर मान लीजिए कोई ऑफिस टेम्परेरी वैकेंट है या फिर वो ऑफिसर कहीं और ड्यूटी पर है, तब दो पर्सन के पास जो पार्स है, एक तो क्या है जो IGR है वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, एंड उसके बाद जो जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये थ्रेटिकली कंसेप्ट है, प्रैक्टिकलिटी में ऐसा जुडिशल ऑफिसर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी ऑफिस वर्क्स रहते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्क्स रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। देन उसके बाद सेकंड है, व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रेजिडेंट ऑन एबसेंट अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट और वेन इज ऑफ ए टेम्परेरी वैकेंट एनी पर्सन होम इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट शैल बी रजिस्ट्रार ड्यूरिंग सच एबसेंस अंटिल, जे ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जहाँ पर क्या है, ऑफिस उसका टेम्परेरी वैकेंट है, जो सेक्शन 10 है जहाँ पर ऑफिस टेम्परेरी वैकेंट है। अब आगे हैं जो एबसेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी, मान लीजिए जो जलंधर का रजिस्ट्रार है उसकी ड्यूटी लगी है, मान ली इलेक्शन है तो उसकी इलेक्शन ड्यूटी कहीं मान लीजिए और है, जैसे पटियाले हैं। अब अगर पटियाले हैं तो उसका जो ऑफिस का काम है वो तो रुकेगा, उसका जो ऑफिस का काम है वो तो रुकेगा, तो उस ऑफिस के काम के लिए कोई और पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। सो व्हेन एनी रजिस्ट्रार इज एबसेंट, कहाँ से, फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट, सो ही मे अपॉइंटेड सब रजिस्ट्रार, अगेन जो सब रजिस्ट्रार होगा उसे अपॉइंट कर दिया जाएगा एज रजिस्ट्रार, और अदर पर्सन किसी और पर्सन को भी किया जा सकता है, और वो ही परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग सच एबसेंस। और एक्सेप्ट कौन सी पार नहीं वो एक्सरसाइज कर सकता, 68 से लेके 72 मीन्स की अपील की, जहाँ पर अपील की पार्स बताई गई है 68 से लेके 72 तक अपील के बारे में बताया है कि अगर मान लीजिए सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की पार्स दी गई है तो देन वो रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में आकर वो अपील नहीं सुन सकता। अब ऐसा नहीं है कि वो बोले मैं तो पहले सब रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में किया है तो अब मैं अपील रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में सुनूंगा, ऐसा नहीं है। देन उसके बाद एबसेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार, पहले दोनों सेक्शन में रजिस्ट्रार था, अब है सब रजिस्ट्रार, ठीक है। अब इस बात का आपने ध्यान रखना, जो सेक्शन 10 है इसमें वो पर्सनल रीजंस की वजह से एबसेंट है, और जो सेक्शन 11 है जहाँ पर जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है, जो सेक्शन 11 है वो ऑफिशियल ड्यूटी में है, मीन्स कि गवर्नमेंट ने उसकी ऑफिशियल उसकी ड्यूटी कहीं और पर है, इस वजह से ऑफिस वैकेंट है। लेकिन सेक्शन 10 में वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से एबसेंट है, ठीक है। तो अब है सेक्शन 12 एबसेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार, जहाँ उसका ऑफिस वैकेंट है। तो व्हेन एनी सब रजिस्ट्रार इज एबसेंट और व्हेन इज ऑफिस टेम्परेरी वैकेंट और एनी पर्सन होम द रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट दिस वाब शैल सब रजिस्ट्रार ड्यूरिंग एबसेंस, मीन्स अब सब रजिस्ट्रार के ऊपर कौन है, रजिस्ट्रार, तो ये किसके पास पार रहेगी, रजिस्ट्रार के पास पार रहेगी कि वो क्या है सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो खुद भी इस पार को जो है आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि इसके बारे में सेक्शन 30 में बताया गया है। मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ, सेक्शन 30 में बताया गया है, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टन केसेस एनी रजिस्ट्रार मे इन हिज डिस्क्रिशन रिसीव एंड रजिस्टर एनी डॉक्यूमेंट विच माई टू बी रजिस्टर्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार सबॉर्डिनेट टू हिम, कि जो ऑफिसर सबॉर्डिनेट है उनके, मीन सब रजिस्ट्रार है उनकी भी जगह पर जे रजिस्ट्रार क्या उसके पास पार है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये सेक्शन 30 बताता है, और वही बात है जो सेक्शन हमें 12 में बताई गई है कि अगर सब रजिस्ट्रार का ऑफिस वैकेंट है तब जो रजिस्ट्रार उसकी हायर अथॉरिटी है उसके पास पार है वो किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है और वो हिमसेल्फ भी क्या है ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। अब सेक्शन जो 10 था 11 था 12 थी इसमें एब्सेंस थी, उसकी रिपोर्ट अब स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंट्स, जितनी भी अपॉइंट्स मीन्स कि सेक्शन 10 में भी कोई अपॉइंटमेंट्स होगी, 11 में भी होगी, 12 में भी होगी। तो अब ये रिपोर्ट देनी किसने है, ये रिपोर्ट दी जानी है बाय इंस्पेक्टर जनरल मीन्स IGR जो सुपीरियर अथॉरिटी है, और देनी किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और सच रिपोर्ट कैसे हो सकती है, वो स्पेशल और जनरल ऑर्डर में हो सकती है। देन उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की, द स्टेट गवर्नमेंट में अलाउ प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट फॉर सेवरल ऑफिस अंडर दिस एक्ट, जो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद सील,
जो हम नॉर्मल देखते हैं स्टैंप होती है, जो स्टैंप होती है तो आपने देखा होगा कि वो उसमें स्टेट की लैंग्वेज में रहती है। एक तो इंग्लिश में रहेगी, एक तो इंग्लिश में होगी, और दूसरा जैसे हम पंजाब में हैं तो पंजाब में पंजाबी की होगी, हरियाणा में हरियाणा में हिंदी में होगी, जैसे तेलुगु में है, अदर कोई स्टेट्स है जैसे केरला है, तो वहाँ की जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज होगी उसमें होगी, ठीक है जी। तो सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, अब मान लीजिए रजिस्टर ऑफिसर है तो उसको जो स्टैंप है, जैसे हमारे एडवोकेट के पास भी होती है, ठीक है जी, एडवोकेट के पास भी होते हैं, तो इसी तरह से ऑफिशियल कैपेसिटी में रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास भी जो स्टैंप होगी सील होगी, और वो प्रोवाइड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो जहाँ पर भी द सेवरल रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार शैल यूज सील वियरिंग द फॉलोइंग इंस्पेक्शन, इंग्लिश, एक तो इंग्लिश में होगी और दूसरा कौन से होगी, एंड, जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, द सील ऑफ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन सी लैंग्वेज को डायरेक्ट करेगा, जैसे पंजाब है, पंजाबी होगी जहाँ पर, तो वो बताया गया है। देन उसके बाद रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को क्या है, बुक्स भी प्रोवाइड की गई होगी, कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ने कोई रजिस्ट्रेशन करनी है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो वो किस में करेगा, वो बुक्स में करेगा, और वो बुक्स कहाँ पर है, सेक्शन 16 में प्रोवाइड की गई है। जे भी कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फॉर ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर द बुक्स नेसेसरी फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट के लिए क्या चाहिए, वो ही रजिस्ट्रेशन के लिए। देन उसके बाद द बुक्स सो प्रोवाइडेड शैल कंटेन द फॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब बाय IGR, क्योंकि IGR सुपीरियर अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन की, और विद कैसे, विद द सेंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड पेजेस ऑफ सच बुक शैल कंसेक्यूटिवली नंबर्ड इन प्रिंट, उसके ऊपर नंबर लगा होगा जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे, और उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस इन ईच बुक शैल बी सर्टिफाइड ऑन द टाइटल पेज बाय द ऑफिसर बाय द होम सच बुक्स आर इशू। जैसे मान लीजिए सब रजिस्ट्रार के पास है तो वो करेगा, रजिस्ट्रार के पास है तो वो करेगा। देन उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट शैल सप्लाई द ऑफिस ऑफ द एवरी रजिस्ट्रार विद फायर प्रूफ बॉक्स। जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा कि हमने भी देखा है कि कहीं पर फायर हो गया, मीन्स के कहीं कारण से फायर होकर आग लग गई, जिससे क्या है, रिकॉर्ड जल गया। अब ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिकॉर्ड हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए वहाँ पर आग लग गई, वो रिकॉर्ड जल गया, तो इस एक्ट बनाने का पर्पस क्या होगा फिर, हमने इस एक्ट बनाने का पर्पस क्या है, क्या किया है, यही कि फ्रॉड लैंड ट्रांजैक्शन को रोके। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम कैसे रोकेंगे, तो इसलिए जो बुक्स दी जाएंगी उसके साथ साथ फायर प्रूफ बॉक्सेस भी दिए जाएंगे, कि हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर फायर हो गया, आग लग गई, तो उस चीज को रोकने के लिए फायर प्रूफ बॉक्सेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सो कि जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे, उसका बचाव किया जा सके, वो प्रोटेक्ट रहे। सो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि शैल सप्लाई एवरी रजिस्ट्रार फायर प्रूफ बॉक्सेस को, वो रजिस्ट्रार को फायर प्रूफ बॉक्सेस दें, और आगे रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनेंगी वो जितने भी उसके सबॉर्डिनेट सब रजिस्ट्रार है उसे प्रोवाइड करें। तो अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, उसके साथ साथ जैसे इंटरनेट का टाइम है, तो उसके साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड हैं, तो डिजिटल रिकॉर्ड के लिए भी क्या है, सेक्शन 16A है। सेक्शन क्या है, 16A है, और ये कब ऐड किया गया, ये पूछ लेते हैं, 2001 की अमेंडमेंट के साथ इसे ऐड किया गया, ये जहाँ पर प्रोवाइड भी किया गया है आप देख सकते हो। सो सेक्शन 16A है, इसमें क्या है, कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज, मीन्स कि आपने डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है ही? और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये सेक्शन है जो 16 कब ऐड किया गया, तो ये 2001 की अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, 2001 की अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो पार्ट सेकंड अब हमारा कवर होता है। देन रुकिए रुकिए, एक इसके साथ हो रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से ए कॉपीज और ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स कैप्ट ऑफ सब सेक्शन 1 गिवन बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अंडर हिज हैंड एंड सील शैल डीम्ड कॉपी गिवन सेक्शन 57 फॉर पर्पज 5 दैट, मीन्स कि उसे क्या माना जाएगा, उसे एविडेंस के लिए यूज किया जाएगा,
मीन्स के जो कॉपी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी उसे क्या है हम एविडेंस में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और बाकी जो रहेगा हम सेक्शन 57 के साथ इसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पार्ट टू किया कि जिसमें हमने एस्टैब्लिशमेंट की कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर आएगा, इसमें क्या रहेगा, IGR आएगा, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर आएगा, सब रजिस्ट्रिंग ऑफिसर आएगा और इंस्पेक्टर आएगा। और देन उसके बाद उनको जो सील्स है, जो स्टैम्प्स प्रोवाइड की गई है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और उसके बाद उनके ऑफिसेज हैं, और देन उसके बाद बुक्स प्रोवाइड की गई है, और इन सभी में क्या चीज़ एक कॉमन है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो पार्ट टू है, अगर मान लीजिए कि आपको किसी तरह से कोई क्वेश्चन भूल गया और आपने गैस करना है, तो गैस आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर करना, क्योंकि जो पार्ट टू है जितनी भी जहाँ पर अपॉइंटमेंट्स है जो भी चीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। तो ये था आज का लेक्चर, कैसा लगा आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।